अब बिग बॉस। सुबह 9:15 बजे बिग बॉस आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि डबल ट्रबल रूम के द्वारा मंदना और युविका को नियम उल्लंघन के लिए मिली सजा की अवधि अब समाप्त होती है। थैंक यू बिग बॉस। ये बिग बॉस, थैंक यू। पार्टी करा दो पार्टी। ओह गॉड। सुपर सेवक मंदना। चुप। क्या बात है। थैंक यू बिग बॉस। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। फाइनली आजाद हूँ। कल परसों बोल देती ना तुम। आजाद आजाद हूँ। सुबह 9:30 बजे कभी कभी मुझे लगता है कि रोशन का जो दिमाग चलता है इज थैंक्स टू अमन, मतलब रोशन और की दोनों का, जैसे लगता है वो उनको नहीं 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 रोशल बहुत बड़ी चीज़ है, ट्रस्ट मी। मैं इसके साथ सुना है ना, कीट कुछ भी नहीं है, कीट को तू ऐसे बना सकती है। डोंट बी सरप्राइज कल को रोशल आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाए अपने फायदे के लिए, एंड यू नो दिस। रोशल मेरी बेस्ट। और तुम्हें क्या लगता है गेम के जो अधिक हमारा 5 का है ना, 1, 2, 3, 4 और जो रिमी, हमारा जो बॉन्ड है उनसे बहुत अलग है। इसलिए उनको बिकॉज उनको लगा ये जेन्युइन है, इसलिए उनको पता, बिकॉज वो जो है तेको लगता है आमन बाहर निकलने के बाद उनसे टच में भी रहने वाले। सुबह 8:15 बजे ओके भाइयों और उनकी बहनों, आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन। मेरा नाम ऋषभ है, मैं शो में पहले एज अ फैन आया हूँ, उसके बाद कंटेस्टेंट। आप क्या करता है? मैं कमाल करता हूँ। ओ गॉड ये आप क्या करती है? नहीं नहीं मैं तो पैदा ही हुआ था। डायलॉग्स के साथ? या अरे ये कौन है? रिमी सिंह। हाय नमस्ते। इसको टाइम लगेगा। टेक योर टाइम गाइस, टेक योर टाइम। नहीं सीरियसली आप क्या करते हैं? ऐसे मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, यू नो धरती सोना उगलती है, मैं उसको बैंक में डालता हूँ। पूरा नाम क्या है? ऋषभ सिन्हा। ऋषभ सिन्हा जी, नाइस टू मीट यू। प्लेजर प्लेजर ब्रो। लाइक द होल लुक इन द हेयर स्टाइल। थैंक यू। The twirl. एक काम कर, तू कैप्टन ना, पहले से रूल्स बता दे। वो फ्लास्क से मूल का के पी रहा था, मैंने उसको ऑलरेडी मना किया, तो मुझे बोलता ओह सॉरी ग्लास से नहीं होगा, ऐसे मांगने से सब मिलते हैं, ग्लास पियो। मैंने मग निकाल के उसको दे दिया ऑलरेडी। मैं रूल समझा दूंगा उसको, अभी आज का दिन है। मुझे तुम अच्छी लगती हो जेन्युइनली, जो तुम कर रही हो शो में, मुझे लगता है सच है, ये लोग सोचते हैं तुम बोलती हो या, और इसलिए इनकी फटती है। इसको तो भेजा स्पेशली झगड़े करने के लिए। मजे आएंगे, मजे करेंगे, डरते हैं क्या? ऋषभ तुम्हें पसंद कौन नहीं है, सच बोलो। जेन्युइनली रोशन तो अगर मेरा झगड़ा प्रिंस के साथ है, वो जाएंगे से अरे तुम चोर, वो ऐसे ही है, ये वैसे ही है, वो फेक है, ये वो ही है सब लोग के साथ। अच्छा प्रिंस तो आई एम लाइक वेरी नेचुरल, आई डोंट लाइक हिम, क्योंकि वो गुस्से वाला है। तुम कौन सा शांत हो? हाँ मैं शांत नहीं हूँ, लेकिन वो जो लड़का गुस्से वाली, आई डोंट लाइक। राइट, मतलब तुम्हें अग्रेशन पसंद नहीं है? अभी बहुत झगड़े होने वाले हैं, लड़कियों घबराना मत, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। मुझे ये फिल्मी लग रहा है फिलहाल, ऐसे लग रहा है वो गॉड स्टॉप इट ऑलरेडी, इसके बाल बहुत ज्यादा है, वो समझ नहीं पा रहा क्या बिग पेन क्या है, मुझे उसके बालों से बहुत इरिटेशन हो रही है। पर दिल्ली रह चुका है 17 साल या जो भी 13-14 साल। कहाँ? दिल्ली। उसकी ड्रेसिंग से नहीं पता चलता कि दिल्ली का बंदा आया है, जो जैकेट शूज। सुबह 9:00 बजे अरे तुम्हारी लड़ाई क्यों थी इसके साथ? हाँ लड़ाई क्यों? मेरी बहुत मेजर लड़ाई हुई थी उससे, न्यूज़ पेपर्स में भी आई। किस चीज के बारे? हमें शो साथ में शूट कर रहे थे, मेरे 10th के एग्जाम्स थे, मैंने प्रोडक्शन से उस दिन का ऑफ मांगा हुआ था, लेकिन नहीं।
फिर मैं सेट पर आई और ये थोड़ा सा दारू पी के सेट पर आया था, तो सीन में इसने थोड़ा सा माइल्ड पी ली थी, थोड़ा टिप्सी टिप्सी हो गया, तो उसने काफ़ी सारे रिटेक्स दिए. तो मैंने कहा यार कल मेरा एग्जाम है, प्लीज़ जल्दी कर ले, मुझे घर जाके पढ़ाई करनी है. फिर इसका फ़ोन बजने लग गया, तो मैंने कहा अच्छा प्लीज़ फ़ोन साइलेंट पे कर लो, रीटेक्स हो रहे हैं. उसने अब्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया एंड बहुत गंदी वाली अब्यूज़. मेरा दिमाग सटक गया, मैं उठी और मैं अपने मेकअप रूम में चली गई. फिर मेरे पेरेंट्स एट पर आए, बहुत बहुत यू नो बातें हो गई. मैंने कहा कि ठीक है जो भी हुआ इसको बोलो आके सॉरी बोलना है, जो किया वो गलत था. लाइक मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैं तो सॉरी नहीं बोलने वाला. पुलिस आई सेट पर, सॉरी बोलो. या इतना मेजर हो गया था, और पुलिस के सामने भी इसने बोला था कि तुम कौन हो, तो और तब भी ये थोड़ा सा. तो फाइनली इसको समझा बनझा के प्रोडक्शन ने थोड़ा सा कंट्रोल करिए वो. लाइक मैं शो छोड़ रही हूँ, ऐसे नहीं चल सकता, आपको जो कॉल लेना है आप लो, आपका एक्टर है, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती. और उस मेंटल स्टेट पे मैंने अपने 10th के बोर्ड एग्जाम्स दिए थे 10 दिन की पढ़ाई में, इसको ही लाना था. शाम 4:30 बजे नहीं ऐसे ही रख रहे हो एक टी शर्ट. आज से पैक करके फायदा भी नहीं, क्योंकि मैं इस हफ्ते नहीं जाऊंगी. ऐसा लग रहा है अरे रिकॉर्ड होने वाला है. परफेक्ट बॉस, हर हफ्ते नॉमिनेटेड और एंड तक नहीं निकली बार. एंड में जाके जीत गई. करिए मैं अभी, मैंने कहा इस हफ्ते ऑलरेडी मैंने पैकिंग कर ली है. नहीं नहीं रमी है, तो बोला कि तूने अभी से पैकिंग शुरू कर दी अपनी. कहती है नहीं. मैंने क्यों, जैसे अगले हफ्ते कहती है कि इस हफ्ते नहीं जाऊंगी. जिसे अब मैं गेम समझ गई. उसको हर बार समझ पता नहीं क्या समझ में आया उसको इस बार, ऐसा क्या खास समझ में आया. गेम बिग बॉस खुद नहीं समझे उसको, वो गेम समझ गई कि वही जीतने वाली है, तो वो जैसे चल रही है परफेक्ट. बिग बॉस गेम समझी होती तो अच्छे कंटेस्टेंट लेके आते जिनको टास्क समझ आता. मैंने उसको कल रात को देखा था, जैसे वो मैं बोल रही हूं अगले साल तो ऑडिशन होने वाला है. कैमरा में फूंक के ना ऐसे कर रही है. एक एक टास्क देंगे ऑडिशन में बुला के. अभी भी उसे बोलते हैं मेरे लिए कोई टास्क आएगा तो मेरा 250 पॉइंट भूल जाना. बोल दिया भाई उसने मेरा 250 भूल जाना, मैं तो नहीं करूंगी. 12वां दिन, देर रात 2 बजे. ओके देन. गाइस गुड नाइट. वो देख नियॉन चमक रहा है. पर वो वाला रास क्यों कर रहा था, वो नकली असली है, वो सब क्यों करवा था. फूड डलवाने लाइक नहीं पर करी नहीं के समय. तो इसलिए मैंने एकदम जो मुझे लगा वो मैंने क्या बोला, आई सेड आई वांट टू प्रूव टू देम कि यू नो व्हाट आई विल डू दिस. और वो कुछ बोल भी नहीं पाई ना. यहाँ मंदना के बारे में बात हो रही है. और आज तो साबित भी हो गया बाहर क्रिश बन गई थी. वो तो बेस्ट था क्रिश बन गई. ऐसे कूद रही थी यार, इतनी लंबी ऐसी क्यों चल रही सर टांग. मैं तो यहाँ खड़ा था बाहर, कूदती हुई दिखी इतनी दूर से, तब मैं डर गया. मैं शूट, यार क्या हो रहा है. ओह माय गॉड.